हाय पतंजलि तड़का। ऋषि जी, एज द फेब्रुअरी मंथ इज वैलेंटाइंस मंथ, एज वी से लव हाँ इज इन द एयर, सो वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट लव। व्हाट इज लव मीन्स टू यू? लव मीन्स एवरीथिंग टू मी. लव इज लाइफ आई थिंक. एंड लव इज द एक्सप्रेशन जिसके आसपास सारी जिंदगी रिवॉल्व करती है. एंड आई थिंक इफ लव इज़ नॉट देयर देन लाइफ हैज़ नो मीन्स. सो आई लव टू लिव एंड आई लव टू लव. Okay, so how you emote yourself or express yourself if you are in love? And like, there are so many kind of love, you know, mother and father, like love for mother, father, so many relations. I think love has to speak. बहुत सारे लोग होते हैं हमारे हिंदुस्तान में खासकर जो कि लव एक्सप्रेस नहीं करते हैं. इफ़ दे लव देयर वाइफ और इफ़ दे लव देयर चिल्ड्रेन और मदर और फादर और सिस्टर हुएवर, दे डोंट एक्सप्रेस. उनको लगता है अरे हम प्यार तो करते हैं, अभी क्या मतलब बार बार बोलना ज़रूरी है क्या? पर मेरे हिसाब से बार बार बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं. ज़्यादातर जो हैं वो ऐसे समझ नहीं पाते हैं, और अगर समझ पाते हैं तो भी एक अश्योरेंस के लिए आई लव यू कह देना बहुत ज़रूरी होता है. Okay, as you said, so I love you. या These three words, is it sufficient आई थिंक for to express your love, or these are just the words, three words that you take a support to express your love? यू टेक अ सपोर्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बट सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है. सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता है. प्यार करना भी इम्पॉर्टेंट होता है और उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है. आज की तारीख में जब ईमेल का ज़माना है, कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो जैसे ग्रीटिंग्स की वैल्यू बहुत कम हो गई है, ग्रीटिंग कार्ड्स की जो हमारे बचपन में हुआ करते थे. आई थिंक उनकी वैल्यू शायद ऐसे बोलने को कम हो गई है, बट आज भी जब हम अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपने फ्रेंड्स को एक ग्रीटिंग देते हैं और एक फूल देते हैं, एक फ्लावर देते हैं, तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो अभी भी गोल्ड नेकलेस भी या डायमंड नेकलेस भी नहीं ले पाया है. सो आई थिंक वो दिखाना बहुत ज़रूरी है. तरीके अलग अलग हैं, सबकी हैसियतें अलग अलग हैं. अपने हिसाब से वो लोग प्यार का इजहार करते हैं, अपने हिसाब से गिफ्ट्स देते हैं, बट गिफ्ट्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन स्पेशल ओकेजन्स, खासकर वैलेंटाइंस डे बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आपने कहा वैलेंटाइंस डे स्पेशल डे है, जी तो क्या आपको लगता है कि वैलेंटाइंस डे ही है जब आप अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं ऐसा. या फिर ये सिर्फ एक दिन ही है? ये एक ऐसा दिन है जबकि आपको करना चाहिए ही, और कई लोग जो कि बाकी मौकों पर नहीं कर पाते हैं वो इस दिन का सहारा लेते हैं. जैसे मतलब बैसाखी है उन लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा शर्माए या घबराए हुए लोग होते हैं, जो कि किसी को दिल की बात कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते हैं, उनके लिए खासकर एक ये बून है, एक बनाया हुआ दिन है जिस दिन वो खुल के अपने दिल की बात कह सकते हैं. बट मेरे जैसे लोग तो मतलब रोज़ ही कह सकते हैं. थोड़े बेशरम किस्म के हम एक्टर लोग थोड़े से बेशरम होते हैं, और होने चाहिए तभी वो एक्टिंग कर पाते हैं. मतलब हम लोगों को कई बार ऐसे सीन्स करने होते हैं या काफ़ी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो हमारी रियल ज़िंदगी में ना हुआ होता है और ना होने वाला होता है, क्योंकि हम वैसे होते ही नहीं है जैसे हम पोर्ट्रे करते हैं. बट फिर भी हमें करना पड़ता है, तो इसके लिए हम थोड़े से ज्यादा बेशरम होते हैं. ओके ऋषि जी, लाइक टू एक्सप्रेस योर लव, यू गिव अवे रेड रोज, रेड हार्ट शेप बलून और सम सॉफ्ट टॉयज, इज इट दैट कि रेड कलर सिर्फ वही कलर है जो लव को एक्सप्रेस करता है, और देयर आर सो मेनी कलर्स? What do you देखिए, think? रंग मेरे हिसाब से प्यार को नहीं दर्शाते, इजहार प्यार को दर्शाता है. मतलब आपकी भावनाएं जो होती हैं, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, या आपका दिल जो होता है, आपकी आंखें जो होती हैं, वही सब कुछ कह देती हैं. उसके अलावा रंग चाहे कोई भी हो, शायद किसी लड़की को रेड कलर पसंद ही ना हो या किसी लड़के को पिंक कलर पसंद ही ना हो, जो कि नहीं पसंद होता ज़्यादातर, तो आप किस रंग का क्या दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता. आपकी आंखों में रंग होने बहुत ज़रूरी है, देखने वाले की भी और दिखाने वाले की भी. सब नज़रिए का खेल है. आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने लव को? मैं वो चीज़ें करके एक्सप्रेस करता हूँ जो एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं. मतलब मेरे हिसाब से
प्यार जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर है मेरे हिसाब से. शायद आप लोगों को मालूम ही होगा बट आई एम मैरिड, मैरिड सिंस 7 years नाउ. सो मेरे लिए प्यार का इजहार करने का मतलब ये है कि अगर मुझे, मैं रोज़ शूटिंग कर रहा हूँ और इफ़ माई वाइफ इज़ आउट ऑफ टाउन, तो मैं रात की फ़्लाइट पकड़ के बिना उन्हें बताया उनसे मिलने चला जाऊँ और सुबह की फ़्लाइट पकड़ के वापस काम पे आ जाऊँ. तो वो जो 4 घंटे जिसमें शायद, जो शायद जिसमें से 2 घंटे सोना ही पड़ेगा, पर वो 2 घंटे जो बात करने के लिए भी मिल जाते हैं, या सिर्फ ये एहसास दिलाना कि आई मिस यू एंड आई लव यू, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स. तो मतलब ये भी अलग अलग एक टाइम था जब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे तो ये नहीं कर सकता था. पर प्यार का इजहार ऐसे भी हो सकता है कि अगर पैसे नहीं है और आपके पास सिर्फ 2 रोटी खाने के पैसे हैं और वो दोनों रोटियां भी आप अपने बिलीवर्ड वन को खिला दो, तो दैट इज़ लव. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या दे रहे हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस भावना से दे रहे हो, किस फीलिंग से दे रहे हो, दैट इज़ लव. आपकी कोई मेमोरी हो वैलेंटाइन डे से जुड़ी हुई, कोई स्पेशल दिन कभी कॉलेज में या आपके 7 साल की, लाइक आपने अगर किसी स्पेशल तरीके से अगर वो मनाया हो वैलेंटाइन डे? दरअसल मेरे हिसाब से तो मैंने, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं थोड़ा बेशरम हूँ, तो इसलिए वैलेंटाइंस डे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. जब जो अच्छा लगा उसको उसी वक्त बोल दिया और जब जो बुरा लगा उसी वक्त रिएक्ट कर दिया. तो इसलिए ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल वो नहीं है. बट हाँ, फिर भी हम लोग ही किसी भी दिन को स्पेशल बनाते हैं. मतलब जैसे मदर्स डे होता है, मदर्स डे, माँ की जो अहमियत है वो मदर्स डे के दिन बढ़ नहीं जाती है, माँ की अहमियत वही रहती है. बट उस दिन हम बोल देते हैं कि हैप्पी मदर्स डे या मॉम आई लव यू और वॉट एवर. तो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं, और उस दिन जैसा कि एक फिलॉसफी ये है कि साउंड ट्रैवल्स, या हमारी जो भावनाएं होती हैं वो कभी मरती नहीं है. मैं आज जो बोल रहा हूँ, आवाज़ कभी भी नहीं मरती है, ये आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में इधर उधर गूंजती रहेगी और लोगों तक पहुँचती रहेगी. तो पॉजिटिव वाइब्स जिन्हें हम कहते हैं, तो उस दिन पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि लोग गिले शिकवे भूल के एक दूसरे से प्यार की बातें करते हैं, एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं. तो वो प्यार जो है वो पूरी दुनिया में फैलता है. तो उस दिन आप ज़्यादा खूबसूरत महसूस करते हो, और आपको ज़्यादा खूबसूरत महसूस करना चाहिए. यू शुड स्माइल मोर, यू शुड टॉक अबाउट योर लव. ओके, सो नाउ अ लव मैसेज फॉर योर फैंस. आई लव यू ऑल. आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आई एम श्योर आप लोगों की वजह से ही और ऊपर तक जाऊँगा. प्लीज़ दुआएं देते रहिएगा. ओके, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू. हैप्पी वैलेंटाइंस डे, लव यू ऑल.